नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। गत दिनों हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एक दिवसीय दौरे के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर हुआ जारी। मुख्यमंत्री दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जुगलबंदी पर एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेसी नेताओं की हालत पतली होने की कही बात। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव की सांस्कृतिक संध्या में सुरीली आवाज का जादू बिखेरा हमीरपुर के कलाकार वीरेंद्र मल्होत्रा ने। वीरेंद्र मल्होत्रा की सुरीली आवाज सुनकर दर्शक भी झूमने के लिए हुए मजबूर। देश के बड़े शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए टॉपर को दक्षिणा फाउंडेशन करेगी प्रशिक्षित। फाउंडेशन की तरफ से टॉपर्स के चयन के लिए लिखित परीक्षा भी की गई आयोजित। फाउंडेशन की तरफ से आयोजित परीक्षा में हजारों बच्चों ने लिया हिस्सा। व्हीलचेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से हमीरपुर के सुजानपुर में प्रदेश की पहली हिमालयन व्हीलचेयर क्रिकेट ट्रॉफी का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में पंजाब हिमाचल की संयुक्त टीम के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की टीमों ने लिया हिस्सा।